मोहित यादव जी को समझना है राजरतन ग्लोबल वायर पे 5 साल का नजरिया। राजरत्न ग्लोबल वायर स्टेबल होने की कोशिश तो कर रहा है। इसलिए कुछ फंडामेंटल इश्यू आया था, कुछ मैं याद तो नहीं है, अब तो बहुत लंबे समय से इसको मैंने ट्रैक नहीं किया था, जिसके कारण इसका फॉल बहुत शार्प हुआ था। बट इन सब चीजों से ना स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। इसका वैल्यूएशन टाइप क्या कर रहा है, 40? नहीं, देखिए वैल्यूएशन में अभी भी महंगा है, तो क्या हो सकता है कि ये स्टेबल होने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन पॉसिबल है कि इसमें प्राइस करेक्शन ज्यादा नहीं हो लेकिन टाइम करेक्शन अभी भी ज्यादा हो, इसकी बहुत पॉसिबिलिटी है। तो 5 साल के हिसाब से थोड़ा सा इंतजार और हो सकता है कि करना पड़े, और करेक्शन का जो एक्सटेंट है वो करीब करीब प्राइस के हिसाब से तो पूरा दिखता है, टाइम के हिसाब से पूरा शायद अभी नहीं दिखता है। तो कितना, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर, आई हैव नो आइडिया। फिलहाल यही दिखा रहा है कि प्राइस करेक्शन ऑलमोस्ट हो गया है, इसके आसपास ही हावर करता रहेगा, 550 ऊपर में, 650, 550 नीचे में, 650 ऊपर में, ये सब रेंज में रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें किसी भी क्वार्टर में अगर कोई बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है तो ये आपको 680 के ऊपर क्लोज होना शुरू करेगा, और वेट कर लीजिएगा 4-5 दिन का कम से कम क्लोज का वेट कर लीजिएगा। उसके जगह 750 हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको सस्टेन करने दीजिए, फिर ये आपको इंडिकेशन दे देगा कि नाउ एवरीथिंग इज हंकी डोरी, ये आएगा वापस, फिर उसके पहले नहीं आएगा। निचोड़ ये है कि प्राइस करेक्शन हो गया लगता है, टाइम करेक्शन हो रहा है लगता है, और भी समय तक हो सकता है, बिकॉज शुरू हुआ है प्राइस टाइम करेक्शन सितंबर 22, 23, 24, अभी तो 2 साल का ही हुआ है, तो ये सब करेक्शन 3-3 साल भी चलते हैं, आराम से चलते हैं, फिर वैल्यूएशन करेक्शन होना है। तो 5 साल के हिसाब से कैसा लग रहा है, सेक्टर फेवरेबल है, वैल्यूएशन फेवरेबल नहीं? जी, लेकिन सोमेश एक बात बताइए, जिस कंपनी की सेल्स पिछले 3 साल से अटकी हुई है, मुनाफा इस बीच में घटा ही है, प्रॉफिट मार्जिन घटा ही है, उसको बाजार अगर 40 का पी मल्टीपल भी दे रहा है तो बहुत एहसान नहीं कर रहा है। 100%। ये सेक्टर अगर वायर्स एंड केबल्स वाला सेक्टर नहीं रहता ना, तो इसके आगे वैल्यूएशन पे ट्रेड होता था। ये सेक्टर में वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है बिकॉज ये पूरा का पूरा जीडीपी रिलेटेड सेक्टर है ना, अदरवाइज इसको यहाँ से भी आधा वैल्यूएशन मिलना चाहिए था। नहीं, इसका इनको मीडियम कहीं जाकर के ये देखना पड़ेगा ना कि ये कहाँ पे अटक गए हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि देश में टायर बनने कम हो गए हैं, ये टायर के अंदर जो तार लगते हैं वो सप्लाई करते हैं। तो अगर ऑटो इंडस्ट्री में ग्रोथ है, टायर्स बिक रहे हैं, सब कुछ ठीक है, तो इनकी सेल्स अटकी हुई क्यों है और इनका प्रॉफिट मार्जिन क्यों घट रहा है? अब एक मुझे जो इसमें याद आता है, कुछ इसमें इवेंट था जिस इवेंट के कारण इसमें जो करेक्शन जिस इवेंट ने ट्रिगर किया था, इसको मैं जब ट्रैक करता था तो ये 800 रुपये का होता था, 800 रुपये से फिर इसमें अच्छी खासी चाल आई थी, और उसके बाद किसी कोई इवेंट ट्रिगर हुआ था, वही चीज मुझे याद नहीं आ रही, जिसके बाद से मैंने इसको अपने ट्रैकर से ही निकाल बाहर किया, उसके बाद मेरे ट्रैकर में आया ही नहीं वापस, और फिर से मुझे देखना पड़ेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन अभी ये मेरे रडार पे है ही नहीं। जी, तो मोहित जी के लिए मतलब अगले 5 साल में ये वापस कब अपनी स्थिति सुधार पाएगा और कब से ये वापस चलना शुरू कर पाएगा और कब तक इसका टाइम करेक्शन चलेगा, इसके बारे में अभी कोई भी बात निश्चितता से क्या कही जा सकती है? नहीं, लेकिन करेक्शन जो होता है वो 2 से 4 साल तक का रह सकता है, डिपेंडिंग कितना टाइम करेक्शन होता है, कितना प्राइस करेक्शन होता है। तो वैल्यूएशन अभी भी 25% यहाँ से कम करेक्ट होना चाहिए, या तो विथ टाइम होगा या विथ जी प्राइस होगा। प्राइस के हिसाब से तो हो गया लगता है, तो टाइम के हिसाब से 1 साल और हो सकता है, वो तो समय बताएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना जी होगा 680 700 का, उसके बाद आइडिया धीरे धीरे लगने लगेगा कि ये आउट ऑफ द वुड्स हो रहा है या नहीं। जी और क्या उसका ट्रिगर ये होगा कि भाई इनका सेल्स का जो आंकड़ा है, जो 220 240 पे अटका हुआ है, कि इस रेंज से बाहर निकलना शुरू हो, कम से कम 2 3 माह में दिखे कि हाँ सेल्स ग्रोथ शुरू हो रही है? हाँ, अब ऐसा है राजीव जी कि इनका पहले तो
मार्जिन भी ढंग का होना शुरू होगा, बिकॉज अब उतना इन्फ्लेशनरी सिनेरियो तो रहा नहीं है, और जो 19-20% का मार्जिन करता था वो 12-13% लोअर एंड पे चल रहा है। तो पहला तो वैल्यूएशन कम्फर्ट आने के लिए आपका मार्जिन एक्सपेंशन ही शुरू होना चाहिए। मान लो कि आप कहते हो डिमांड नहीं है या सेल्स नहीं बढ़ रहा है, भाई कोई बात नहीं है, आपका कॉस्ट कंट्रोल के हिसाब से तो कोई बॉटम लाइन ठीक होना चाहिए, मार्जिन ठीक होना चाहिए। तो वहां से भी अगर इंडिकेशन आ जाता है तो मे बी प्राइस पे इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि डिमांड फिर भी नहीं रहेगी सेल्स पे। जी, तो या तो सेल्स बढ़े या प्रॉफिट बढ़े, कहीं से तो बढ़ना शुरू हो तब तो इसका भाव बढ़े। तो इस बात का ध्यान सही बात रखिएगा है। मोहित जी, और उसके हिसाब से फिर अपना फैसला लीजिएगा। हमारी ये सारी बातचीत इसलिए होती है कि आप सब कुछ समझ लें, सारे पास एक पूरा पर्सपेक्टिव शेयर का समझें और उसके हिसाब से अपना फैसला करें। यहाँ पर आपको कोई बना बनाया फैसला तो दिया नहीं जाता है। अब